आखिर पटना ने दो दो लेफ्ट कॉर्नर क्यों लिया? आखिर क्यों पटना ने सुरेंद्र नाडा और जयदीप को इस बार के ऑक्शन में लिया? हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, आखिर पटना पैश ने दो दो लेफ्ट कॉर्नर को क्यों लिया। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो रेगुलर देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे जाकर आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई करता हूँ, तो जाकर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। प्रदीप नरवाल, पवन सिराव, राहुल चौधरी के ऐसे ही रेड में अच्छे अच्छे अपलोड करते रहता हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पटना ने दो दो लेफ्ट कॉर्नर को क्यों लिया। और आप वीडियो देखने के बाद अपनी राय बताइएगा कि आखिर पटना ने दो दो लेफ्ट कॉर्नर को क्यों लिया। इस वीडियो में मैं आपको केवल अपनी राय बताऊंगा, अगर आपको कहीं पे गलत लगा तो आप मुझे जाकर कमेंट बताएं, मैंने यहाँ पर गलत बता दिया। इतना तो फिक्स है सुरेंद्र नाडा खेलेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आखिर जयदीप कहाँ पर खेलेंगे, तो मैं आपको इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने YouTube पर कई सारी वीडियो देखी तो सभी लोग बोल रहे हैं कि जयदीप खेलेंगे कवर पर, लेकिन जयदीप कवर पर नहीं खेल सकते क्योंकि कॉर्नर के प्लेयर कवर पर नहीं खेल सकते। बहुत ही कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो कवर पर खेल सकते, सभी प्लेयर कवर पर नहीं खेल सकते। दो ही तीन ऐसे प्लेयर हैं जो कवर पर खेल सकते हैं, और जो जो प्लेयर कवर और कॉर्नर दोनों जगह पर खेलते हैं वो स्टार्टिंग से खेलते हैं, तो इसीलिए वो सभी प्लेयर खेल सकते हैं। लेकिन जयदीप सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर पर खेले हुए हैं और इसीलिए वो लेफ्ट कॉर्नर को छोड़कर और कहीं पर नहीं खेल सकते हैं। कवर छोड़कर और एक जगह है जहां पर जयदीप खेल सकते हैं, लेकिन ये कवर पर नहीं खेल सकते क्योंकि इन्हें ब्लॉक करने नहीं आता है और इन्हें एंकल होल्ड करने आता है, तो इसलिए ये कवर पर नहीं खेल सकते हैं। और कवर के प्लेयर को ब्लॉक करना आना चाहिए, इतना तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जयदीप को उतने अच्छे से ब्लॉक करने नहीं आता है और न ही वो कभी कवर पर खेले हैं। तो अब बचता है राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर पर जयदीप खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइट कॉर्नर पर जयदीप खेल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जयदीप ही राइट कॉर्नर पर खेलेंगे, इन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन्हें राइट कॉर्नर पर खेलने के लिए, और ये एंकल होल्ड तो बहुत ही अच्छे कर लेते हैं। और जयदीप को राइट कॉर्नर पर खेलने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो वो कवर राइट कॉर्नर पर खेल सकते हैं क्योंकि उन्हें एंकल होल्ड करने आता है, बस उन्हें हल्की सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो वो चल जाएंगे राइट कॉर्नर पर। और सुरेंद्र नाडा लेफ्ट कॉर्नर, इन दोनों का जोड़ी बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर ये राइट कॉर्नर पर चले गए। मैंने आपको जो जो बातें बताई है वो मेरी राय है, और अपनी राय मुझे कमेंट बताइए, आपको क्या लगता है कैसा होगा, आखिर जयदीप कहाँ पर खेलेंगे, क्या वो जयदीप स्टार्टिंग सेवन में खेलेंगे इस बार या नहीं खेलेंगे।